जी हमारे पेट पर और जांघों पर सफ़ेद दाग हैं, उसकी कोई देसी दवा बताओ जिससे कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखो भाई, सफ़ेद दाग के लिए जड़ी बूटी मैं फ्री बताते हैं आपको जी, वो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनना। आइए देखिए, ये जो है ये इसको जानते हो भी होगे आप, ये फुलनिया घास से मशहूर है और इसको प्रांतों में इसके अलग अलग नाम है। ये बहुत अच्छी है, देखिए ये खूब खड़ी हुई है, आप देखिए, इसे कहते हैं फुलनिया घास। फुलनिया घास का ये होता है, ये पौधा होता है और इसके ये नहीं देखिए फल लगे हुए हैं, ये देखिए फल लगे हुए हैं, इन फलों को तोड़कर और पानी में मिलाकर घिसके और सफ़ेद दागों पर आप लगाना। ऐसे देखिए, ये जैसे ये है, ये दाग है, तो यहाँ पर इसको खूब ऐसे ऐसे पीस के और इसको लगाना और ये दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसको 2-3 महीने करना ज़रूर है ना। हाँ, दो अगर ये जड़ी बूटी फ्री सेवा है हमारी, मैं आपको फ्री सेवा बताते हैं, अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। तवामन खड़ी हुई है, देखिए देखिए ये देखे दो पीछे और भी है। हाँ, बहुत भी तो इसको ये काम, और ये कई मर्जों में काम करती है। आप ये कहीं खाज खुजली कहीं हो तो इसको पीस के और आप गाय के घी में मिलाकर लगाइए और इसका पत्ता खुरखुरा होता है। ये फुलनिया का पत्ता ये है, ये देखो खुरखुरा है, इसको ऐसे तोड़िए, देखो ये ऐसे तोड़िए और इसको ऐसे ऐसे करिए तो ये ऊपर चलेगा और इसको अगर ये ऐसे करके और इसको ऐसे ऐसे करो तो नीचे जाएगा और इसको ऐसे ऐसे करोगे तो ये ऊपर को जाता है। ये फुलनिया का इसका पत्ता खुरखुरा होता है और ये बालों में भी काम होता है, जो बाल झड़ते हैं तो इसके पत्ते को ऐसे तोड़िए, ऐसे ऐसे तोड़ के और ऐसे जो ये आपके गंजापन है इसमें ये ऐसे ऐसे लगाइए, खुरखुरापन होता है, ये लगने से इसके बाल भी निकल आते हैं और ये कई मर्जों में काम करती है आपको। लेकिन ये है सफ़ेद दाग की बहुत रामबाण दवा है, इसको आप इस्तेमाल करिए और ये जंगलों में बहुत पाई जा, आपके यहाँ पाई जाती है आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ पाई जाती है। हाँ, हमारा घर के पास में ही है। हाँ, तो ये ठीक है, देखिए ये कितने बढ़िया बढ़िया फूल लग रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे इसके फूल पत्ता जड़ तना शाखाएं पत्ती फूल फल सब काम में आता है। अच्छा। ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये पाया जाता है, तो इसको आप इस्तेमाल करिए। यहाँ तो बहुत जड़ी बूटियाँ खड़ी हुई हैं और भी जड़ी बूटियाँ आपको हम बताएंगे, तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल करिए और जहाँ तक अपने हितु नातेदार, अपने बच्चों और नातेदारों को, इनको सबको बताइए कि इसको इस्तेमाल करिए सफ़ेद दाग के लिए। कहीं खाज खुजली हो, घावटी को नहीं होता हो तो इसको धीरे धीरे इसको गाय के घी में लगाइए, ठीक हो जाएगा। ये बवासीर के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, मच्छेदार अगर है तो गाय के घी में इसके पीस के लगाइए तो मच्छे ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रकार ये कई प्रकार की मर्जों में काम आता है, फुलनिया इसका नाम है और बहुत अच्छा काम करती है। तो आप लोगों से हमारी कमेंट है कि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और ये बहुत फ्री दवा बताते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, भली चिंता मत करना, गंजेपन में भी बड़ी फायदा करती है। ठीक ठीक ठीक। नमस्कार, आपका यूट्यूब विजयपाल सिंह आपका स्वागत करता है। धन्यवाद।